अम्मी, अब तो कासिम का सच सबको पता चल गया है ना। वो जेल भी जाने वाला है। अम्मी प्लीज। जेल भले कोई भी जाए, सजा तो मुझे ही काटनी है ना, वो भी तुम्हारे गुनाहों की। जो तुमने सितारा पर बहतान लगाकर की है, उसकी सजा काट तो चुकी। नजमा भाभी, आप ऐसा करें कि निम्मी को अपने साथ ही ले जाएं। आप इसे खुला दिलवाकर इसकी कहीं शादी वादी करा दीजिए। मैं नहीं ले जा सकती, एहतिशाम इसको नहीं रखेगा। तो आपके लिए क्या मसला है? पैसों की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप कोई दूसरा घर ले लीजिएगा ना रेंट पर। सलमान जेल में है, पता नहीं आएगा भी कि नहीं। मैं अकेली लड़की को लेकर कहां फिरती रहूंगी? नहीं सुरैया, मुझे अपना बुढ़ापा एहतिशाम के साथ सुकून से गुजारने दे। और ये निम्मी अपने ससुराल में रहेगी। जो भी है, उसकी चची का घर भी तो है ना। चलती हूं मैं, इतना शाम को बताकर नहीं आई थी। अम्मी कहाँ जा रही है? अम्मी अम्मी प्लीज, यहाँ छोड़ के मर जाइए। अम्मी प्लीज ना, मुझे हमें साथ ले जाना। अम्मी अम्मी प्लीज अम्मी अम्मी मुझे छोड़ के मत जा। अरे भाई, तुम पागल हो जो उसे वापस भेज रही? तो फिर क्या करूं माँ जी, कासिम के नाम पर उसे इस तरह से बिठा भी तो नहीं सकती ना। और कासिम इसी की वजह से तो इन चक्रों में पड़ा है। अब इसे कहो कि कहीं नौकरी वोकरी करे और घर चलाए। अरे भाई, उसकी माँ ने उसे इतना पढ़ाया लिखाया है तो किसी काम तो आए ना। अरे माँ जी, वैसे कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं कि जब तक नजमा भाभी मान नहीं जाती ना, ये निम्मी भी कहीं नौकरी वोकरी कर ले। अरे इसका भी ध्यान बटा रहेगा। सही,